एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो मैं आज आप सभी को एक इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बायोटिक की टोनर को यूज़ कर रही हूँ। सो आप जब भी मेकअप करें, CTM कर ले, यानी कि क्लिनजिंग। मैंने फेस वॉश कर लिया था, फिर टोनर। देन मॉइस्चराइजर के लिए मैं गुड वाइब्स के फेशियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी मॉइस्चराइजर का यूज़ कर सकते हो। सो CTM को हमेशा फॉलो करें, चाहे गर्मी हो या ठंड हो। उसके बाद मैं बायोटिक की सीरम का यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई है, अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप सीरम एंड फेशियल ऑयल दोनों का यूज़ करें। फिर लिप बाम भी लगा लीजिए इस तरह से। फिर मैं कलर बार के प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सो हमने टी जोन से स्टार्ट करें, इसे हम टी जोन कहते हैं। इस तरह से पैट करके आपको अप्लाई करना है एंड पूरे फेस पर उसे स्प्रेड करना है। देन मैं एले गर्ल की कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, ये आप करेक्टर भी बोल सकते हो। सो हमें जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन होती है, यानी कि ब्लैक रहता है हमारा स्किन, वहाँ पे हमें करेक्टर का यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो कैंसिल आउट कर दे आपके अनइवन स्किन टोन को। और इसके ऊपर जो भी आप फाउंडेशन लगाओगे वो ऐसी और ब्राउन नहीं लगेगा। सो इस तरह से आपको अगर माउथ के अराउंड ब्लैकनेस है, आइज़ के पास है, या फिर जहाँ पे भी आपको पिंपल्स के मार्क्स है ब्लैक, तो आप यूज़ कर सकते हो एले गर्ल की ऑरेंज करेक्टर। फाउंडेशन के लिए मैं मेबलिन की सुपर स्टिकी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये फाउंडेशन आपको हाई कवरेज प्रोवाइड करता है और समर के लिए बेस्ट है। मैं आज आप लोग को समर में दिखा रही हूँ कि अगर आप समर में किसी वेडिंग में जा रहे हो तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो मैं दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक मेरी स्किन से बहुत लाइट थी, एक डार्क थी। सो आप इस तरह से फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। सो देन मैं पैक की ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इस तरह से डाइविंग मोशन में फाउंडेशन को पुश कर रही हूँ अपने स्किन में। जब भी आप करेक्टर का यूज़ करें, आप हमेशा फाउंडेशन जो होता है ना, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करें। अदरवाइज़ अगर ब्रश से करोगे तो करेक्टर और जो भी आपने लगाया है वो मिक्स हो जाएगा फाउंडेशन। सो ऑलवेज़ यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप कलर करेक्ट करो अपने फेस को। उसके बाद मैं एले गर्ल की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इन दी शेड नेचुरल। सो ये शेड नेचुरल है, ये एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर भी काम करेगा। सो मैं सारे शेड और लिंक आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। सो इस तरह से हम अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पे कंसीलर का यूज़ करते हैं, यानी कि अंडर आई के पास। फिर मैंने आईलिड पे भी अप्लाई कर लिया है, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो। आपको आई पे भी लगा लेना है, ताकि इसके बाद जो भी आप आई मेकअप करो वो अच्छे से पॉप आउट हो। सो उसके बाद इसे ब्लेंड कर रही हूँ सेम उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। हमेशा डाइविंग मोशन में ब्लेंड कीजिए, कुछ भी आप ब्लेंड कर रहे हो तो, और एकदम आराम से कीजिए, ताकि आपके फाइन लाइंस में वो अच्छे से है ना ब्लेंड लगे, ऐसा ना लगे कि आपके क्रीजिंग के चांसेस दिख रहे हैं। इसलिए कंसीलर को टाइम लेके और थोड़ा जल्दी ब्लेंड करें, क्योंकि वो सेटल डाउन होने लगता है आपके क्रीज में। सो इस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है आपको। देन आपको सेट करना है फेस को। तो आप क्या कीजिए, बनाना पाउडर लीजिए, मैं या मेकअप रिलेशन की बनाना पाउडर ले रही हूँ, और स्पंज से क्या कीजिए, डाइविंग मोशन में सर पुश कीजिए अपने लूज पाउडर को। देखिए इस तरह से अगर आप मेकअप करोगे ना वेडिंग में भी, आप ये ब्राइड को भी ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और एकदम हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। और इस तरह से पुश करोगे ना आप लूज़ पाउडर को अपने पूरे फेस पे या फिर टी जोन पे, तो आपका जो मेकअप होता है वो सेट हो जाता है। फिर किसी भी कॉम्पैक्ट की हेल्प से एक बार ब्रश की हेल्प से भी सेट कर ले, ताकि इवन लगे मेकअप आपका। आप किसी भी कॉम्पैक्ट की हेल्प से कर सकते हो। सो ब्रॉन्जर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड की यूज़ कर रही हूँ। सो गर्मियों का मौसम है, आप कभी भी क्रीम प्रोडक्ट को ना यूज़ करें। इस तरह से पाउडर फॉर्म में आती है ब्रॉन्जर, और क्रीम फॉर्म में जो होती है वो कॉन्टोरिंग होती है। सो हमेशा ब्रॉन्जिंग का यूज़ कीजिए या ब्रॉन्जर का गर्मियों के मौसम में। आप जितना पाउडर फॉर्म के प्रोडक्ट को यूज़ करोगे वो उतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। और मेबलिन की जो मैंने फाउंडेशन सुपर स्टे दिखाई, वो बहुत ज़्यादा मैट फाउंडेशन है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। सो आप ट्राई कर सकते हो। और इस तरह से नोज़ कॉन्ट्रोल कर रही हूँ मैं। आप इस तरह से ब्रश को पिंच करके भी नोज़ कॉन्ट्रोल कर सकते हो, अगर आपके पास कॉन्ट्रोलिंग ब्रश नहीं है। फिर अब ब्लश के लिए मैं मूडा के ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लश कहाँ अप्लाई किया जाता है, अपने एपल्स ऑफ द चिक पे। जब आप स्माइल करते हो, जो पॉइंट आपका उठा हुआ होता है वहाँ पर ब्लश अप्लाई कीजिए सर्कुलर मोशन में इस तरह से। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ब्लेंड करें कॉन्ट्रोल और ब्लश को मर्ज कर दें हमेशा ब्लेंडिंग करते हुए। सो मेकअप को सेट करने के लिए मिलाने की सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। मैं सेटिंग स्प्रे इसलिए पहले यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी हाइलाइटर मैं इसके बाद लगाए वो पॉप आउट हो। मैं मेबलिन की मास्टर कॉम की हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। इस तरह की आप ब्लेंडिंग ब्रश लोगे
तो आपका जो भी हाईलाइटर है वो पॉप आउट अच्छे से होके आता है। सो जहाँ पे भी हाईलाइटर लगते हैं वहाँ पे मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ। और अगर आपको मेकअप नहीं पता है कैसे किया जाता है तो मैं लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है व्हाट इज़ ब्रॉन्जिंग, व्हाट इज़ हाईलाइटर, जो सब ध्यान से आप उस वीडियो को देखिएगा तो आप सीख जाओगे मेकअप कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आईब्रो की ओर। सो मैं पैक की पोमेड का यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। आप इस तरह से पाउडर फॉर्म वाले प्रोडक्ट को ही ले, आप चाहे तो आई शेडो पैलेट में भी हमें ब्राउन कलर मिलते हैं और ब्लैक कलर, दोनों को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। देन मेकअप रोशन की आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर को ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से और अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, ये ना ज़्यादा बिग है ना ज़्यादा स्मॉल है, इन बिटवीन है ब्लेंडिंग ब्रश। और इस तरह से क्रीज में बफ कर रही हूँ कलर को और ब्लेंड कर रही हूँ। एग्जैक्टली क्रीज से जस्ट ऊपर थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी आईज छोटी है। सो आप इस तरह से ब्लेंड कीजिए, फिर उससे हल्का डार्क सेड को ले रही हूँ ब्राउन या फिर आप बोल सकते हो मरून कलर को, इस तरह से बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। और सेम एग्जैक्टली जहाँ मैंने पिंक सेड को डिपॉजिट किया था उसी जगह मैं इसे डिपॉजिट कर रही हूँ। मैं यहाँ पिंक कलर को एज ए ट्रांजिशन कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी आउटफिट पिंक कलर की है। सो इस तरह से आप भी कलर कंट्रास्ट कर सकते हो, आप एग्जैक्टली ब्राउन कलर भी ले सकते हो। देन फिर से मैंने एक डार्क कलर को पिक किया है और ये मेकअप रिवोल्यूशन की डांस फ्लोर आई शेडो पैलेट है, बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है, अफोर्डेबल है, अंडर 2000, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैं लगभग इसे एक साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो इस तरह से आप आई शेडो को अप्लाई करें, धीरे धीरे स्लोली स्लोली कलर बिल्ड करें। देन एक ओम्ब्रियो इफेक्ट के लिए मैं ऑरेंज कलर नहीं, मैं थोड़ा सा येलो कलर को ऑरेंज कलर को पिंक कलर को मिक्स करके जहाँ एग्जैक्टली हमारा क्रीज होता है वहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि रेडिएशन क्रिएट हो इस तरह से। अब मैं कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। सो मैं मेकअप रिवोल्यूशन की ले रही हूँ कंसीलर, ये लाइट शेड है मेरी स्किन शेड से, सो इसलिए मैं इसे कट क्रीज ड्रॉ करती हूँ तो वो बहुत अच्छे से पॉप आउट होता है। आप कोई सा भी लाइट कंसीलर ले सकते हो और एकदम सिंपली कट क्रीज को ड्रॉ कीजिए इस तरह से जहाँ तक आपकी क्रीज होती है। सो जब भी आप लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करोगे तो आपको ईजी रहता है, और ये मेरी स्किन शेड से बहुत ज़्यादा लाइट है। सो जब भी अगर आप गलत शेड परचेज कर लो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अपनी आईज़ पे। सो फिर से आपको पिंक कलर को लेना है और ब्राउन कलर को लेना है, और जहाँ पे आपने कंसीलर को अप्लाई किया तो वो आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखाई देनी चाहिए कंसीलर और आई शेडो के बीच में। सो ब्लेंडिंग करने के बाद जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर रही हूँ उस कंसीलर को। उसके बाद मैं सिल्वर कलर को पिक कर रही हूँ और गोल्डन कलर को, और जहाँ मैंने कंसीलर को अप्लाई किया था वहाँ उसे पैट कर रही हूँ। आप इसे प्रॉपर गोल्डन कलर नहीं बोल सकती हो, दोनों को मिक्स किया है मैंने। सो इस तरह से आप भी अच्छे से कर ले। उसके बाद मेकअप रिवोल्यूशन ग्लिटर आई शेडो पैलेट में से मैंने गोल्डन कलर को पिक किया और एग्जैक्टली जहाँ मैंने पहला सेड लगाया था वहीं पे मैंने उसे अप्लाई किया, क्योंकि मेरी आउटफिट में गोल्डन कलर भी है। आप इस तरह से अगर आई मेकअप करोगे तो बहुत फिनिशिंग भी लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है। सो NYB की लाइनर का यूज़ कर रही हूँ, ये एक लिक्विड लाइनर है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लाइनर है, अंडर 70 की ये लाइनर है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये आपको purple.com पे इजीली मिल जाएगा। सो इस तरह से मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, और अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता है तो आप मेरी अनदर वीडियो को चेक कर सकते हो, 2 से 3 वीडियो मैंने बनाई है लाइनर के ऊपर। सो मैं लिंक आपको दे दूंगी आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। सो इसी तरह से आपको दोनों साइड लाइनर को ड्रॉ कर लेना है एकदम स्लोली स्लोली, और मैं ज़्यादा ना मोटा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ ना ज़्यादा पतला, इन बिटवीन। फिर मेबलिन की मस्करा का यूज़ कर रही हूँ, ये एक वाटरप्रूफ मस्करा है और बहुत अच्छा मस्करा है, अंडर 350 का ये मस्करा, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई सस्ता मस्करा चाहिए, ये कभी कभी डिस्काउंट पे 250 में मिलते हैं। सो इस तरह से आप मस्करा को अप्लाई कर लीजिए। देन ऑरेंज और पिंक कलर और जो चारों शेड मैंने दिखाया उसे मैंने लिया और लोअर लैश लाइन पे अब मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। एग्जैक्टली जो आप अपने क्रीज पे बफ करते हो ना कलर, उसे ही आपको एग्जैक्टली नीचे बफ करना होता है। बस सिंपल आई मेकअप बैलेंस लगता है इससे। कलर बार की काजल का यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन और वाटर लाइन पे। सो काजल को अप्लाई कर देने के बाद मैंने हल्का पिंक कलर को लिया और स्मज किया, फिर मस्करा लगा के मैंने फिनिश किया अपने आई मेकअप को। सो इनर कॉर्नर पे भी मैंने हाइलाइटर लगा ली और फॉल्स आईलैशेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया,
लिपस्टिक के लिए मैं आई एम स्टर्डन की लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। ये एक पिंक कलर है, फूशिया पिंक कलर। सो आप कोई से भी लिप शेड को ट्राई कर सकते हो, आप रेड भी इसके ऊपर लगा सकते हो। सो मेरी आउटफिट पिंक है तो इस वजह से मैंने पिंक लगाया है। सो ये बहुत कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था मेरे आई को। सो मेरा मेकअप कम्प्लीट है। सो हियर इज़ अ फाइनल फिनिश लुक। सो कैसा लगा आपको ये मेकअप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेरी अदर वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।